जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तैयारी के भौकाल महोत्सव में प्रकाश के अपवर्तन की पहले क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने तैयारी के भौकाल महोत्सव में प्रकाश के परावर्तन को संपन्न करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की शुरुआत करेंगे। ध्यान में रखिएगा, आपका ये चैप्टर भी थोड़ा भरा है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से पार्ट वाइज देखेंगे ताकि सारी चीज़ें आप समग्रता से समझ पाओ। तो आइए बिना अपने समय को घुमाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं तो हम लोगों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि गुरु जी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, जब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरु जी ये होता क्या है? तो मेरे मित्र, परावर्तन की घटना में आपने क्या देखा कि गुरु जी प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं सर ये परावर्तन कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि परावर्तन की घटना में प्रकाश की किरणें जो है वो किसी सतह से टकरा करके लौट आती है, लेकिन जब हम लोग अपवर्तन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरु जी प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो ये कुछ मुड़ जाती है, और प्रकाश की किरणों का ये जो मुड़ने की घटना है यही क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि ये बताओ प्रकाश का अपवर्तन क्या है, आप कहेंगे कि प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर जो मुड़ने की घटना होती है वही क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ना हो तो आप इस चीज़ को लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो आप सभी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी कि बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और प्रकाश की किरणों का ये मुड़ना क्या कहलाता है? आप कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि ये बताओ कि प्रकाश के अपवर्तन से तुम क्या समझते हो, आप कहेंगे कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी ये क्या होगा? कुछ मुड़ जाएगी, और यही जो प्रकाश की किरणों का मुड़ने की घटना है क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। मेरे मित्र, अगर आपको इतना बड़ा डेफिनेशन याद नहीं रहता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में याद नहीं रहता है, तो आप सरल शब्दों में समझ लेंगे क्या कि प्रकाश की किरणों का जो मुड़ने की घटना होती है यही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो आप सरल शब्दों में कह सकते हो कि गुरु जी तब तो हम लोग इंग्लिश में इसको बेंडिंग ऑफ लाइट रेज कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं सर। आप क्या कहेंगे कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप कहेंगे कि गुरु जी प्रकाश का अपवर्तन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये बताओ कि आपने जो यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम की चर्चा करा, ये माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो मीडियम है यानी कि जो माध्यम है ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है सॉलिड, दूसरा आपका होता है लिक्विड, और तीसरा होता है आपका गैस। ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा कांच होता है वो किस अवस्था में होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ठोस अवस्था में होता है। तो कांच आपका क्या हो गया? आप कहेंगे ठोस माध्यम यानी कि सॉलिड मीडियम हो गया। इसी तरह जो हम लोग बात करते हैं जल की, वाटर की, या फिर हम लोग बात करते हैं केरोसिन ऑयल की, तारपीन के तेल की, ये सब के सब क्या होते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? आप कहेंगे लिक्विड मीडियम कहलाएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं एयर की तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये तो गैसीय फॉर्म में होता है। तो जाहिर सी बात है कि एयर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गैसीय माध्यम या फिर गैसियस मीडियम हो जाएगा। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे ये बताओ कि मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे तीन प्रकार के। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस।
आप कहेंगे चलो सर ये भी क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती क्यों है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? तो मेरे मित्र, प्रकाश के अपवर्तन का सीधा सा कारण है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, जिस वजह से प्रकाश की किरणें जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है वो मुड़ जाती है और क्या होता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन का कारण क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि चूंकि नहीं लगाएंगे सर, बहुत लंबा हो जाएगा, आप सरल शब्दों में कहेंगे कि प्रकाश की किरणों का अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल का होना, अलग अलग चाल का होना यानी कि अलग अलग स्पीड का होना प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है। कोई भी आपसे पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, आप सरल शब्दों में कहेंगे कि जो प्रकाश होती है उसका चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है और यही क्या होता है तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि प्रकाश की किरणों का अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल का होना किसका कारण है? अपवर्तन का कारण है। आप कहेंगे चलो सर ये भी ठीक है, लेकिन ये बताओ कि अपवर्तन की घटना हमारे आसपास में कहाँ पे हो रही होती है? भाई मेरे, आप सभी रोज़मर्रा के ज़िंदगी में भी इस चीज़ को फील करते होंगे। जैसे आप हलवाई के दुकान पे जाते हैं तो जो रसगुल्ला रखा हुआ रहता है उसके काउंटर में, वो अपने वास्तविक आकार से आपको बड़ा दिखाई पड़ता है। किसके वजह से? तो आप सभी याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के वजह से। आप सभी जो पानी से भरे बाल्टी में कोई स्टिक डुबोते हो तो आपको स्टिक जो है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। किसके वजह से? तो गुरुजी प्रकाश के अपवर्तन के वजह से। या फिर जो आकाश में रात में तारे टिमटिमा रहे होते हैं वो किसके वजह से? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से। तो जो आपका प्रकाश का अपवर्तन है या फिर जो अपवर्तन की घटना है, ये आपके डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं क्या है सर? तो सर जुड़ा हुआ है। जैसे अगर बात किया जाए किसकी, तो हलवाई की दुकान में मिठाई का वास्तविक आकार से बड़ा दिखना, साथ ही साथ किसी पानी से भरे बाल्टी में किसी स्टिक को रखने पर जो स्टिक है उसका मुड़ा हुआ प्रतीत होना, या साथ ही साथ जो आपके आकाश में तारे टिमटिमा रहे होते हैं, ये सब के सब किसके वजह से होता है? तो आप कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरु जी ये जो प्रकाश की अपवर्तन की घटना हो रही है ये एक्चुअली में होती कैसे है, हम लोग कैसे समझेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है? तो मेरे मित्र, मैंने आपको क्या बोला कि जो प्रकाश की किरणें हैं जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है? मुड़ जाती है। तो हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, तो एक अलग माध्यम है जो कि क्या है, एयर है, यानी कि वायु है, ठीक है सर। और हमारा दूसरा ये माध्यम क्या है, तो हम लोग कह लेते हैं कि गुरु जी ये हमारा कांच है, ये हमारा क्या है, कांच है। ध्यान देंगे कि एयर में प्रकाश की चाल अलग होगी और कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग होगी। ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि ये कोई आपका प्रकाश की किरण है जो इस कांच के सतह पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ये आपका कोई प्रकाश की किरण है जो कांच के सतह पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरु जी जैसे ही ये कांच में प्रवेश करेगी ये यहाँ पे कुछ मुड़ जाएगी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, और ये जो यहाँ पे मुड़ रही है एक्चुअली में यही क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये जो आपका कांच है ये क्या है, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा सेकेंड मीडियम है, जबकि एयर क्या है, हमारा फर्स्ट मीडियम है। आप क्या देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम एयर से दूसरे माध्यम कांच में जाती है तो ये यहाँ पे मुड़ जाती है, और यही मुड़ने की घटना क्या है, आप कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन है। ध्यान देंगे ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है इसको हम लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो हमारा आपतित किरण कहलाएगा। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे गुरुजी इसको, आप कहेंगे आपतित किरण कहलाएगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो ये आपका प्रकाश की किरणें मुड़ गई है दूसरे माध्यम में, ये मुड़ा हुआ किरण क्या कहलाएगा, आप याद रखेंगे ये आपका अपवर्तित किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपवर्तित किरण कहलाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा। और साथ ही ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, एक लंब ड्रॉ कर लें, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा अभिलंब हो जाएगा, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और ध्यान देंगे सर, यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एंगल बन रहा है, तो ये एंगल आपका क्या होगा, आपतन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। और चेला जी, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो आपतन कोण है, जो आपतन कोण है, इसको साइन आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? साइन आई से। और ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो ये अपवर्तित किरण है और साथ ही साथ जो अभिलंब है, इसके बीच में भी एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा, आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा। और ध्यान में रखेंगे कि अपवर्तन कोण को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप याद रखना कि अपवर्तन कोण को साइन आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? साइन आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान देंगे कि एक्चुअली में ये जो हम लोग साइन आई और साइन आर बोल रहे हैं, ये क्या है, तो आपतन कोण की जया है, और ये क्या है, तो अपवर्तन कोण की जया है। और अपवर्तन की घटना में हम लोग आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन आई और साइन आर का यूज करते हैं। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप सभी क्या याद रखेंगे कि अगर प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो जो किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है वो क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी। साथ ही साथ दूसरे माध्यम में जाने पर जो मुड़ जाती है किरणें, वो क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे अपवर्तन कोण कहलाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी, अब तो हमने इस चीज को समझ लिया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, और प्रकाश की किरणों का यही मुड़ने की घटना क्या है, तो आप कहिएगा प्रकाश का अपवर्तन है। लेकिन आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी, हमने तो पढ़ा है कि जो माध्यम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग ऑप्टिकली बात करते हैं, प्रकाशिक तौर पे अगर हम लोग किसी मीडियम का जिक्र करते हैं, किसी माध्यम की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि गुरुजी, ऑप्टिकली यानी कि प्रकाशतः जो माध्यम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहते हैं कि गुरुजी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। आप कहेंगे कि गुरुजी ये सघन और विरल क्या होता है, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रकाशता माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे दो प्रकार के। कौन कौन सा? पहला कहिएगा सघन माध्यम और दूसरा कहिएगा विरल माध्यम। मेरे मित्र, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा लाग लपेटा लगाने की ज़रूरत नहीं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपका कोई भी माध्यम प्रकाशता सघन माध्यम कहलाएगा। कब कहलाएगा? तो जब उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, आप कहेंगे कम होगी। मतलब ये हुआ कि अगर किसी मीडियम में प्रकाश की चाल कम है तो वो क्या कहलाएगा, प्रकाशता सघन माध्यम कहलाएगा। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा है वो क्या कहलाएगा, प्रकाशता विरल माध्यम कहलाएगा। तो बस की पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, तो की पॉइंट ध्यान में रखना है कि वैसा कोई भी माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या है, तो सर कम है, वो क्या कहलाएगा, सघन माध्यम। तो आप क्या कहेंगे कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, आप कहेंगे कम होगी। और एज अ सेंटेंस क्या कह सकते हैं, वैसा कोई भी माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी सघन माध्यम कहलाएगा। और क्या कहिएगा कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, आप कहेंगे अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। तो आप सभी इसको क्या कह सकते हैं एज अ सेंटेंस, कि वैसा कोई भी माध्यम जिसमें प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होती है, प्रकाश की स्पीड अधिक होती है, क्या कहलाएगी, आप कहेंगे प्रकाशता विरल माध्यम कहलाएगी, यानी कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाएगी। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रकाशता सघन माध्यम कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्रकाशता सघन माध्यम कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्रकाशता सघन माध्यम कौन सा है, तो आप याद रखेंगे हीरा। कौन सा है आपका? हीरा। और अगर बात करी जाएगी किसकी, कि सबसे ज़्यादा विरल माध्यम आपका कौन सा है, तो आप सभी नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे कि सबसे ज़्यादा विरल माध्यम कौन सा है, तो आप कहेंगे गुरुजी वायु। क्या कहेंगे? वायु। तो ध्यान में रखिएगा कि जो प्रकाशता सघन माध्यम की बात की जाएगी, आप कहेंगे इसमें प्रकाश की चाल कम होगी, सबसे ज़्यादा प्रकाशता सघन माध्यम कौन सा है, आप कहिएगा हीरा। प्रकाश के विरल माध्यम की बात की जाएगी, आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और सबसे ज़्यादा विरल माध्यम आपका कौन सा होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी वायु होगा।
मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर क्या होगा, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा। तो मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी दो की पॉइंट नोट करेंगे, पहला पॉइंट कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, तो क्या होगा। आप सभी ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो सर यहाँ पे हम लोग जो है दो मीडियम ले लेते हैं। कितना मीडियम ले लेते हैं, दो। एक को हम लोग सघन मान लेते हैं और दूसरा को हम लोग विरल मान लेते हैं। जैसे थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक हमारा मीडियम जो है वो क्या है, तो सर ऊपर वाला मीडियम जो है वो हमारा कांच है और नीचे वाला क्या है, वायु है। ध्यान देंगे कि कांच क्या होगा, आप कहेंगे वायु की अपेक्षा गुरुजी सघन होगा, जबकि वायु क्या होगा, आप कहेंगे कांच की अपेक्षा विरल होगा। तो एक चीज़ तो आपका क्लियर हो गया कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी, आप कहेंगे कि गुरुजी अधिक होगी। मतलब ये हुआ कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, आप कहेंगे गुरुजी सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो जाहिर सी बात है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, आप कहेंगे कम होगी। ध्यान देंगे कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो आपका कांच से किस में जा रहा है, तो वायु में जा रहा है। प्रकाश की जो किरणें हैं वो आपका क्या हो रहा है, तो कांच से वायु में जा रहा है, मतलब सघन से विरल में जा रहा है। और हम लोग बात भी किसकी कर रहे हैं, तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, तो यहाँ पे कांच से वायु में जा रहा है, तो कांच आपका सघन और वायु क्या हुआ, विरल। तो जैसे ही प्रकाश की किरणें आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये आपका किरण कुछ इस तरह से मुड़ गई। ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो आप लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि गुरुजी ये जो अपवर्तित किरण है, हमको ऐसा लग रहा है कि ये अभिलंब से कुछ दूर भाग रहा है, मेरे मित्र यही चीज़ आपका क्या है, तो आपके इस स्टेटमेंट का कंसेप्ट है क्या कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तब अपवर्तित किरणें अभिलंब से दूर भाग रहा हो, तब जो अपवर्तित किरणें होता है वो क्या होता है, अभिलंब से दूर भाग रहा होता है। और क्या होगा, तो आप कहेंगे सघन माध्यम में तो प्रकाश की चाल कम होगी, लेकिन जैसे ही विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी, जिस वजह से ये क्या होगा, तो सर अभिलंब से दूर भागेगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी और प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर भागेगी। प्रकाश की किरणें क्या होगी, तो सर अभिलंब से दूर भागेगी। कौन सी किरणें, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो मुड़ रहा है, तो एक हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। तो क्या कहिएगा कि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर भागेगी। और यहाँ पे हम लोग दूसरा कंडीशन क्या लेते हैं, तो दूसरा कंडीशन हम लोग ले लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे क्या होगा, तो मेरे मित्र यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, दो मीडियम ले लेते हैं, पहला हम लोग विरल और दूसरा हम लोग सघन ले लेते हैं। ध्यान देंगे यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग ऊपर में वायु को ले लेते हैं, आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये तो विरल माध्यम हो जाएगा, और नीचे में हम लोग क्या करते हैं, तो गुरुजी नीचे में हम लोग कांच ले लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो सघन माध्यम हो जाएगा। तो हमको बात क्या करना है, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से यानी कि वायु से कांच में जाएगा तो ये क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि गुरुजी ये अभिलंब की ओर झुक गया। ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गया। दोनों डायग्राम में आपको कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहा होगा, क्या देख रहे हैं कि ये कुछ इधर भाग रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सर अपवर्तित किरणें इधर आ रही है, किधर आ रही है, तो सर जी अभिलंब की ओर आ रही है, किधर आ रही है, अभिलंब की ओर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, किस ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पे प्रकाश की किरणें जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ गई है, अभिलंब की ओर क्या हो गई है, आप कहेंगे मुड़ गई है।
इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और साथ ही विरल से सघन में जा रही है तो उसका स्पीड क्या होगा, आप कहेंगे कम जाएगी। क्या होगा, आप कहेंगे कम जाएगी। तो मेरे मित्र, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो आप कहेंगे जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा, सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी और जो प्रकाश की किरणें होगी वो अभिलंब से दूर भागेगी, और साथ ही जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, प्रकाश की जो चाल होगी वो घट जाएगी और साथ ही साथ प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और मेरे ख्याल से आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जब भी बात करी जाएगी प्रकाश तो सघन माध्यम की, आप कहेंगे इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। बात करी जाएगी प्रकाश तो विरल माध्यम की, आप कहेंगे इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। आप कहिएगा कि गुरुजी ये चीज़ तो हमारा पूरा क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि जिस तरह हम लोगों ने परावर्तन के लिए नियम पढ़ा था, क्या अपवर्तन के लिए भी नियम होता है? ऑब्वियसली मेरे मित्र, और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। आप कहिएगा कौन कौन सा, तो बड़ा ही सरल सा है, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपवर्तन के नियम की। ध्यान में रखिएगा कि परावर्तन के नियम की तरह ही अपवर्तन के भी कितने नियम हैं। आप कहेंगे कि गुरु जी दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं, और बड़ा ही सरल सा नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरणें तीनों एक ही समतल में होता है। मेरे मित्र, आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आपका आपतित किरण है और साथ ही साथ ये जो आपका अभिलंब है, ये जो आपका क्या है सर, अभिलंब है, और साथ ही जो आपका अपवर्तित किरण है यानी कि ये वाला रे है, ये तीनों क्या है तो सर एक ही समतल में है, और यही क्या होता है तो आप कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, आप कहेगा आपतित किरणें और आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरणें तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ध्यान में रखेंगे कि आपतन बिंदु क्या होगा, तो जहां पर आपतित किरणें क्या होती है, सतह से टकराएगी या समतल सतह पे फॉल होगी, ये क्या होगा आपका, आप कहेंगे कि गुरुजी ये वाला जो पॉइंट होगा यही हमारा आपतन बिंदु होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि गुरुजी आपतित किरणें और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और अपवर्तित किरणें तीनों क्या होंगे, एक ही समतल में होंगे। और दूसरा नियम क्या होता है, तो दूसरा नियम होता है कि किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि ये जो आपका आपतन कोण है और ये जो आपका अपवर्तन कोण है, दोनों क्या होता है तो सर इसका जो अनुपात होता है दोनों का वो कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि एक नियतांक होता है। और हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो गुरु जी शॉर्ट फॉर्म में साइन आई बटा साइन आर लिख सकते हैं, और इक्वल टू क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जब कह रहे हैं कि नियतांक होता है इक्वल टू हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। मेरे मित्र यही क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, तो आप कह सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, ये क्या है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो साइन आई बटा साइन आर एक कांस्टेंट होता है सर, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को स्नेल का नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्नेल का नियम बोला जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये साइन आई बटा साइन आर का अनुपात एक कांस्टेंट होगा, ये बात आपको कहाँ से मालूम चल रहा है, तो अपवर्तन के दूसरे नियम से मालूम चल रहा है। और आपने इसको क्या बोला कि गुरुजी इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन करा जाता है कि अपवर्तन का कौन सा नियम स्नेल का नियम कहलाता है, आप कहेंगे अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी अपवर्तन का जो बेसिक था वो तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो मेरे मित्र इससे संबंधित क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी एक छोटा सा पॉइंट हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई पड़ना किस घटना के कारण होता है, आप कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है,
आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपवर्तन के बेसिक पॉइंट से पूछे गए क्वेश्चन की। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर वन, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। ऑप्शन है उन्नत प्रकाश के कारण, दूसरा ऑप्शन है नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तीसरा है प्रकाश के प्रसरण के कारण, और चौथा है आपका गर्म वायु के कारण। और ये क्वेश्चन आपका NTPC CBT 1 में पूछा गया है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने इसी सेशन में बताया है कि जो तारा होते हैं वो आसमान में टिमटिमाता है किस वजह से? वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से। और ये चीज़ आपका कहाँ पे मेंशन है? आप कहेंगे ऑप्शन बी में लिखा हुआ है नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। ऑप्शन है कम घनत्व के माध्यम में परावर्तित हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल से दूर झुकता है, और आपका तीसरा ऑप्शन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चौथा ऑप्शन है नॉर्मल की ओर झुकता है। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब वह धीमा हो जाता है, और क्या होता है ये चीज़ आपको बताना है। क्या कहेंगे कि गुरुजी इसी सेशन में आपने बताया है कि अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से किस में जाए? सघन माध्यम में जाए। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो क्या कहेंगे कि जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या हो जाएगी? आप कहिएगा धीमा हो जाएगा। और साथ ही साथ प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी मुड़ जाएगी। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी मेंशन है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है नॉर्मल की ओर झुकता है, और अभिलंब को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहेंगे नॉर्मल, और नॉर्मल की ओर झुकता है मतलब क्या हुआ? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। ऑप्शन है समान की ओर गति बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है समान से दूर और गति बढ़ती है, तीसरा है समान की ओर धीमा हो जाता है, और चौथा है समान से दूर और धीमा हो जाता है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रकाश की किरणें पानी से ग्लास तक जाती है। ध्यान देंगे कि प्रकाश की किरणें कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो पानी से ग्लास तक जाती है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पानी की अपेक्षा ग्लास जो है वो क्या हो जाएगा? पानी की अपेक्षा ग्लास जो है वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सघन माध्यम, जबकि ग्लास की अपेक्षा पानी क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी विरल माध्यम होगा। क्या होगा? विरल माध्यम होगा। तो मेरे मित्र सीधे सीधे आप क्या समझ सकते हैं कि गुरुजी जब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि प्रकाश की किरणें पानी से ग्लास तक जाती है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और ये किसके ओर मुड़ेगा? तो आप कहेंगे गुरुजी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि अभिलंब को ही हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी जैसे ही प्रकाश की किरणें पानी से ग्लास की ओर जाएगी ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे इसकी चाल धीमा हो जाएगी, और क्या होगा? तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ जो है वो हमारे तीसरे ऑप्शन में है कि समान की ओर धीमा हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश की जो गति होगी वो बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ जो अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब से दूर भागेगी।
आपके ऑप्शन में क्या शब्द दिया हुआ है? तो सर पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा है घटती है और फिर बढ़ती है, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं होता, और चौथा है कम हो जाती है। आप कहेंगे गुरुजी सीधे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम लोग कहेंगे जैसे ही सघन से विरल में जाएगा प्रकाश की जो चाल होगी वो बढ़ जाएगी। तो सही आंसर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पानी में रखा हुआ कोई भी चीज़ अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़ रहा है, किस घटना के वजह से? अपवर्तन की वजह से। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में अपवर्तन है। आप कहेंगे गुरुजी तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी हो सकती है। आप क्या कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक जो हम लोगों को सूर्य दिखाई पड़ता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते दिखाई पड़ता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है? और ये क्वेश्चन आपका NTPC CBT 1 में पूछा गया है। आप कहेंगे कि गुरुजी आंसर तो हम सबों को मालूम है। तो आंसर अगर आप सबों को मालूम है तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? ऑप्शन है आपतन कोण की स्थिति में, दूसरा है अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में, तीसरा है विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा में, और चौथा है अपवर्तनांक के प्रवर्धन में। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं परावर्तन की तो क्या कहते हैं कि परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरणें, अभिलंब और परावर्तित किरणें ये सब के सब क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। और साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं अपवर्तन की पहले नियम की तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी अपवर्तन का पहला नियम भी कहता है कि आपतित किरणें और साथ ही अभिलंब और अपवर्तित किरणें ये तीनों भी क्या होते हैं तो एक ही समतल में होते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी अपवर्तन और परावर्तन दोनों के केस में आपतित किरणें, अभिलंबित किरणें यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरणें या फिर अपवर्तित किरणें ये सभी क्या होते हैं? एक ही समतल में। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे भी प्रकाश का अपवर्तन होगा हम लोग टिक कर देंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी सेम क्वेश्चन आपने 2 बार डाल दिया है। तो मेरे मित्र पहला जो आपका क्वेश्चन था वो आपके NTPC 2021 एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2018 एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन में चौथे ऑप्शन में वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन लिखा हुआ है? तो भाई मेरे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है अपवर्तन, प्रसार, प्रतिबिंब, डिफ्लेक्शन। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी इसी सेशन में ना बताएं आप कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है और प्रकाश के किरणों का यही मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाए।
मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो भी कंसेप्ट और क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे और प्रकाश के अपवर्तन से बेसिक से आपको जो भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।